हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रतिमा डी ब्लॉग्स पे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठी हूँ 5:30 बजे से। तो थोड़ी देर में उठ के बैठी थी क्योंकि उठो तुरंत तो कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो मैं उठ के सोच रही थी क्या बनाऊँ, फिर याद आया कि छोटू शाम को बोला था कि मम्मी परवर आलू की भुजिया बना के दे देना। तो मुझे ठीक है क्योंकि बच्चों को परवर पसंद है, कि मैं इसका बीज निकाल देती हूँ तो पसंद है। हमारे घर में बच्चे भी खा लेते हैं और हमें भी पसंद है। अगर बीज न निकालूँ ऐसे बना दूँ तो कोई नहीं खाता, बीज निकाल देती हूँ तो सब खा लेते हैं। तो वो भी मैं बच्चों के लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ और दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए। पानी भी गर्म कर ली हूँ अपने लिए, पतिदेव के लिए पीने के लिए। और यहाँ आ गई मैं सब्जी छौंकने, और देखिए एक तरफ मेरा दूध भी गर्म हो गया है, बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि मैं सब्जी काट के रख के गई, पहले हर्षित को उठाती हूँ, पहले एक एक करके उठाती हूँ क्योंकि दोनों को एक साथ उठा देती हूँ तो लड़ाई कर लेते हैं ब्रश करने में। तो ये पहले हर्षित को उठाती हूँ, हर्षित ब्रश करके चला जाता है, वहाँ से हट जाता है, उसके बाद उठाती हूँ छोटों को। नहीं तो दोनों इतनी ज़्यादा लड़ाई कर लेते हैं कि परेशान हो जाती हूँ सुबह सुबह, फिर मेरा भी दिन ख़राब हो जाता है, उनका भी सुबह। तो यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ और हर्षित ब्रश कर रहे हैं। तो हर्षित ब्रश कर लेंगे तो जाऊँगी छोटों को उठाने। तो आलू थोड़ा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे, स्कूल ले जाएंगे, ताकि खा लें, इसके साथ रोटी पराठा जो दूँ तो खा लें। क्योंकि छोटू को ना इस टाइम उसका एक दांत हिल रहा है, टूटने वाला है, अभी उसका दांत टूट रहा है एक एक करके, तो थोड़ा उसे दिक्कत होती है खाने में। तो यहाँ दोनों ब्रश कर लिए थे तो दोनों के लिए दूध निकाली हूँ। और इस टाइम हॉर्लिक्स ख़त्म है तो मैं हल्दी और थोड़ा सा चीनी डाल के दूध में देती हूँ, तो दोनों के लिए निकाल रही हूँ। और हर्षी टोस्ट भी खाता है, बिस्किट एक ही लेता है, वो टोस्ट खाता है। छोटू को टोस्ट पसंद ही नहीं ज़्यादा, तो वो बिस्किट ही खाता है दूध के साथ। और कभी कभी चौकस दे देती हूँ, चेंज करती रहती हूँ, एक नहीं बिस्किट ही दूँ रोज़ रोज़, चेंज कर देती हूँ बीच बीच में। और सुबह का नाश्ता करते ही नहीं, जैसे सोचूं कि पराठा दे दूं, सब्जी दे दूं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। और यहाँ मैं पानी भी गर्म करके रख दी थी, ज़्यादा गर्म हो गया था तो रख दी थी साइड में ठंडा होने के लिए थोड़ा। तो यहाँ मैं अपने लिए और इनके लिए निकाल ली हूँ गिलास में पानी, क्योंकि पति जी इंतज़ार कर रहे हैं गर्म पानी के लिए, जब तक पियेंगे नहीं बिस्तर नहीं छोड़ेंगे। सबकी चाय की आदत है, चाय नहीं पीते तो बिस्तर नहीं छोड़ते, और हमारे पति देव के पानी नहीं मिलता गर्म तो बिस्तर नहीं छोड़ते। और यहाँ सब्जी भी पक गई थी तो यहाँ मैं पानी में मसाला, जैसे मसाला सारे मसाला इकट्ठे पानी में घोर के डाल दी हूँ। और ऐसे करके बनाऊँ ना परवर तो बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे खा भी लेते हैं अच्छे से। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... यहाँ दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकल गए, उनके पापा गए हैं छोड़ने, और तब तक मैं यहाँ चाय चढ़ा देती हूँ क्योंकि आएंगे तो तुरंत चाय चाहिए पति देव को। और मैं चाय चढ़ा के थोड़ी सी ब्रश कर लूँगी, तब तक चाय पकती रहेगी, ब्रश कर लूँगी तो चाय पक जाएगी, आके पीऊँगी फिर। और यहाँ सब कुछ डाल दूँगी मैं, ताकि मैं ब्रश करूँ तब तक चाय अच्छे से पक जाए। मुझे ना जब तक बिल्कुल अच्छे से चाय पक नहीं जाती तब तक पीने का मन नहीं करता, मुझे अजीब सी लगती है। और मैं चढ़ा के गैस धीमी कर देती हूँ, पकती रहती है, अपना ब्रश करती रहती हूँ, तब तक आ जाएंगे पति देव भी। तो देखिए जब तक मैं ब्रश करी कितनी अच्छे से पक गई है चाय, बिल्कुल अच्छी वाली पकी है चाय।
तो आ जाइए, जिसे पीना है सुबह की चाय आ जाइए हमारे यहाँ पी लीजिए, हमारे हाथ की चाय इलायची वाली चाय। इस टाइम में अदरक नहीं, गर्मी में बिल्कुल अदरक नहीं यूज करती हूँ, है अदरक पर यूज नहीं करती हूँ, रखी है जैसे सब्जी वगैरह में डाल देती हूँ, पर चाय में नहीं। इलायची वाली मुझे अच्छी लगती है चाय। उसके बाद चाय पीने के बाद लग गई हूँ काम पर, झाड़ू पोछा अपना करने के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी है 12:30 बजे, बच्चे आ जाएंगे तो कोई काम नहीं हो पाता, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ। और पतिदेव भी अपना ऑफिस का काम वगैरह कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जाएंगे तो ऑफिस का काम वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. आज मैं बनाई हूँ खाने में पूरन पूरी, और पहली बार बनाई हूँ मैं, उसके पहले कभी नहीं बनाई, क्योंकि पति देव को भी नहीं पसंद था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, सबको मन हुआ खाने के लिए, तो मैं सोची चलो आज बनाती हूँ पूरन पूरी। तो यहाँ मैं मीठी वाली भी बना रही हूँ और नमक वाली भी, दोनों बना रही हूँ। और यहाँ आटा भी मैं लगा के रख दी हूँ, आटा भी सेट हो गया है। और पति देव को खाना है पूरन पूरी के साथ लपसी, तो यहाँ मैं लपसी भी बना रही हूँ। तो मैं लपसी जब बना रही थी तो कोई भैया आ गए थे, उनके लिए पानी देने चली गई, थोड़ा लपसी बिगड़ गई है। तो यहाँ मैं जब तक बना रही थी गरम गरम, पति देव और बच्चे खा लिए, और ये मेरी प्लेट लग गई है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और मुझे पूरन पूरी के साथ दही पसंद है, लपसी नहीं। तो लपसी तो पति देव के लिए बनाई थी, तो आइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए हमारी पूरन पूरी। पहली बार बनाई हूँ, बताना कैसा है। गाइस ये देखिए, मैं फ्लिपकार्ट से परचेस करी थी मम्मा अर्थ का फेस वाश और सनस्क्रीन, और ये सुबह ही आ गया था, जो कार्टून आया था जिस कार्टून में पैक करके, वो मैं फेंक दी हूँ सुबह ही, और इसे निकाल के रख दी थी साइड में। तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार यूज कर रही हूँ। पहले मैं वाओ का, जैसे सनस्क्रीन भी, फेस वाश, सब कुछ वाओ का यूज कर रही थी, तो मैं सोची चलो एक बार मम्मा अर्थ का भी यूज करके देखती हूँ। मैं काजल यूज कर रही हूँ, तो काजल मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोची फेस वाश और सनस्क्रीन भी यूज करके देखती हूँ। उठो ना, चलो घूमने, उठ के लड़ाई नहीं करनी दोनों। बनवा रही कहाँ से? चले
चलो गोलगप्पे खाने, 50 रुपए गोलगप्पे खाने। लगो नहीं लगा यहाँ मंदिर वाला, बनाए किसी के पास खाएंगे। छोटू सो रहा है। हर्षित हर्षित जा रहे हैं सामान लेने के लिए, और छोटे सो रहा है, सोने देना, उसे उठाना मत। खेल ये हमारे छोटे चल सो रहा है, और टाइम देखो इतने टाइम पूरी दोपहर या मैच खेले, क्रिकेट खेलते रहे थे, और अभी सो रहे हैं। सुबह जल्दी उठे थे तो सो रहे हैं, दोपहर में नहीं सोया, सुबह 6 बजे। चलो टाइम मत करना, उसे परेशान मत करना, सोने देना। वाइट अरे है मेरा पिया, बोले कि नहीं मिल रहा है, मिल गया तो ये है मेरा आइटम, ये मेरा आइटम है। एक ही दिया है क्या है? एक क्या तेरा पैर दिखाऊं मैं? मैगी मसाला लाई हूँ। मैगी मसाला, ये तो सब्जियों में भी डाल। मैगी मसाला, अरे हमारा देखो, और चौको और सिंथोल, ये है फेलबली, और ये है काली चना, ये है लिच्चन पापड़, ये है सर्फ एक्सल, ये है मसूर दाल खड़ी मसूर, और ये है सर्फ एक्सल टिक्की टिक्की, और ये है पोहा, और ये है मैगी, और ये है मैक्रोनी, और ये है बेसन, और ये भी है मैगी, ये है जीरा जीरा, और ये है ओरियो, और ये है कुकीज, ये है मेरा आइटम, ये मेरा आइटम, मैं अपना आइटम साइड रखूंगा। और ये है हॉर्लिक्स बच्चों का आइटम, और पकड़, ये है नमकीन, ये है नमकीन इस महीने का इतना, क्योंकि हमें घर जाना है तो इस महीने में थोड़ा ही राशन आया है। और ये है छोटू का, कल क्या है? मदर्स डे का सेलिब्रेशन, परसों है मदर्स डे, परसों है, कल मैंने पीछे चिपका लिया, कल है, कल ना, हाँ परसों है मदर्स डे, कल है मदर्स डे का सेलिब्रेशन स्कूल में। हाँ क्या दोगे गिफ्ट मुझे? अरे तो इस महीने का हमारा मैं पूरी जाऊंगा कल। हाँ सब इस महीने का राशन पापा। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और हमारा खाना पीना हो गया, और मैं अभी आ रही हूँ किचन से बर्तन वगैरह धो के, और शाम को ये किचन वगैरह साफ कर लो ना, जैसे कि चूल्हा गया चूल्हा साफ कर लो, बर्तन धो लो, तो सुबह टेंशन नहीं रहती, बस सुबह उठ के जो बनाना है बना लो। तो कल तो वैसे भी छुट्टी है तो और टेंशन नहीं रहेगी, आराम से उठो अपना दूध वगैरह गर्म करो, चाय वगैरह बनाओ, तो टेंशन नहीं रहती, नहीं तो यही टेंशन रहता कि अभी बर्तन धोना है, गए चूल्हा साफ करना है, तो ये नहीं रहता, ये सब कर लो। और बच्चे और पति देव दूसरे रूम में लेटे हुए हैं ऐसे चला के, और मेरी हालत देखो, जब तक मैं बर्तन धोई या गए चूल्हा साफ करी, तो देखो कैसे सिंदूर वगैरह बह गया, पसीना से बिल्कुल नहा ली हूँ, अब मुझे अभी एक कान का उतारना है, और एक गले में बहुत मुश्किल होता है, ये पहन लेती हूँ थोड़ी देर के लिए भी इतनी ज़्यादा खुजली होती है गले में,
इसलिए मैं उतार देती हूँ। कहीं जाती हूँ तभी पहनती हूँ, या तो थोड़ा बहुत जैसे शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तभी पहनती हूँ, नहीं मैं तो उतार देती हूँ। पता नहीं कैसे सब दो दो तीन तीन पहन रखती हैं। और आज अभी मैं मुझे याद आया, ये बेल किसी ने दिया और पैसे से नहीं, फ्री में मिला हुआ है। तो पहले तो मैं ले ही नहीं रही थी, पर पतिदेव बोले कि ले लो, मुझे पीना है शरबत। तो चलिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।